नांदेड़ जिले में किसानों के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर आज एमआईएम मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला की क्यादत में एक वफद ने जिला कलेक्टर को निवेदन पेश किया। निवेदन के जरिए जिला इंतजामिया से ये मुतालबा किया गया कि किसानों की बदहाली पर तवज्जो दी जाए, खुसूसन बीज के लिए बैंकों की जानिब से दिए जा रहे कर्ज के कई मामलों में सौतेला सलूक देखने को मिला। सियासी असर व रसूख रखने वाले किसानों को बीज के लिए कर्ज आसानी से मुहैया किए गए, जबकि दीगर आम किसानों को बीज हासिल करने के लिए अपने घर की कई चीज़ों को गिरवी रखना पड़ा। ज़िला कलेक्टर को याददाश्त देने के बाद वफद ने ज़िला कृषि अधीक्षक कार्यालय का रुख किया, जहां मुतालिका अफसरान से मुलाकात करते हुए फिरोज़ लाला ने इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने का इशारा देते हुए मसाइल हल न होने की सूरत में सख्त एहतजाज का इंतनब्बा दिया। जो शेतकरी सोयाबीन से जी बी आरीब ते नुसत भोग शेतकरी दुबार पेरनी संकट आमची मागणी कि बाबा ते दुकानदारावर तुम्ही तात्काळ कारवाई कराव, त्यांचे परवाने रद्द करावे आणि नुकसान झालेल्या ते शेतकऱ्यांची भरपाई आपण करून द्या, एक आमची अशी दुसरी मागणी आहे की पीक कर्ज जे कर्ज आहे आज अल्प शेतकरी धारक म्हणजे लहान छोटा शेतकरी यांना पीक कर्ज बँकेकडून देत नाही, डावण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि जे मोठे शेतकरी ज्या ज्यांचे राजकीय संबंध आहेत त्या लोकांना मुजके लोकांना बँक हे पीक कर्ज म्हणून त्यांना अनुदान देते, लहान शेतकऱ्याला देत नाही। म्हणून आम्ही यांना उपनिवासी जिल्हाधिकारींना निवेदनात सांगितले की बाबा जर असा गरीब शेतकऱ्यांना जर डावण्याचा प्रश्न येत असेल तर एक एमआयएम कदापि सहन करणार नाही, रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आम्ही सुद्धा राहणार नाही। तो वो बोगस बीजों की शिकायत लेकर कई किसान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर आए, फिर हमारे मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला साहब ने खेतों पर जाकर उसका सर्वे किया और उन बीजों की सर्वे करने के बाद ये नतीजे पर हम लोग आए हैं कि वो बीज बोगस होने की वजह से किसानों की मेहनत रायगा हुई। हमारी प्रशासन से ये मांगनी थी आज ज़िला कलेक्टर से कि जो बीजों की जो कंपनी है जिसने किसानों के साथ सीधा सीधा धोखाधड़ी की, उनके मेहनतों का मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनके परवाने रद्द करके उनके दुकानों को सील किया जाए, एक बात। दूसरी बात की शिकायत हमारी ये थी कि वो किसान जो MLS से या MP से अपने ताल्लुकात रखते हैं उनको तो कर्ज आसानी से मिल जा रहा है, लेकिन जो गरीब किसान है उसको आसानी से कर्ज मैसर नहीं हो पा रहा है, बैंक उनको टालम टोल कर रही है। नतीजा ये निकल रहा है, एक तो बीज बोगस होने की वजह से उन्होंने जो पेड़ दिए, जो अपना जो सोना वगैरह उन्होंने रहन रख के जो पैसे लाकर जो बीज लिए थे वो एक उनका नुकसान हो गया। उसके बाद हुआ ये कि अब दूसरी पेरनी के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अगर इनके पास दूसरी पेरनी के लिए अगर पैसे नहीं आएंगे तो यकीनन जिस तरह महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है किसानों की खुदकुशी के लिए, ये और ज़्यादा इसके मसले और ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर इनके पास पैसे नहीं होंगे तो यकीनन वो दूसरी राह अख्तियार करेंगे। हमारी प्रशासन से मांग है कि जिस तरह आप किसानों को कर्ज देते हैं इन गरीब किसानों को भी उसी तर्ज पर कर्ज दें ताकि वो इससे नए बीज लाकर अपनी फसल उगा सके। याद रखिए हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे सैनिक है जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, दूसरे हमारे किसान हैं जो इस ज़मीन का सीना चीर कर यहाँ से हमको फसलें निकाल कर देते हैं। अगर इन लोगों के साथ ना इंसाफी होगी तो यकीनन ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं जो MLAs हैं जो मिनिस्टर्स हैं इनको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। अगर इनको इनका जायज़ मुआवजा नहीं मिलेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतिया के तौर पर यहाँ पर प्रदर्शन करेगी और पूरे किसानों को लेकर नांदेड़ में एक बड़ा प्रदर्शन खड़े करेगी। यावर्षी नैसर्गिक आपत्ती असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे काही सोयाबीन पेरलेले पावसाचं प्रमाण कमी असल्यामुळे निघाले नाही, त्याच्यामुळे ते बॅगा इंगलच्या त्यानं बॅगा बरोबर एक इंगलच्या दिले नाहीत, इंगलचं बियाणं खराब निघालेलं आहे आणि बॅग द्यायला 2600 रुपयाला दररोजचा दररोज भाव वाढालाय, शेतकऱ्यांचे काही बी निघत नाही काहीच नाही, ते बॅगा तशात इकाले आहेत। आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्याचं पीक कर्ज ज्याच्या लेवल आमदार खासदारांची ज्यांची लिंक आहे त्याला लवकर बँकेचं पीक कर्ज पासवाले जे आपत्ती शेतकरी 1 एकरपासून जे 4 एकरच्या खालचे जे SC OBC NT दुसऱ्या समाजाचे कोणी शेतकऱ्याच्या आपत्तीचे कर्ज पास होत नाही, बँकेत चक्रा घातलं तरी होत नाही, मग त्याच्यामुळे आम्ही आमचे प्रदेशाध्यक्ष MIM चे फिरोज लाला भाईशी संपर्क साधला आणि आम्ही त्यांना एक कलेक्टर ऑफिसला काल बोलल्या आणि आज कलेक्टर ऑफिसला त्याच्या मार्फत त्याच्यासोबत निवेदन देण्यात आलेलं आहे आणि जे काही पीक कर्ज बँकेवाले जे वगळालेत, जर बँकवाल्यांना येणाऱ्या 15 तारखेपर्यंत पीक कर्ज दिलं नसलं तर आम्ही रस्त्यावर आंदोलन करू।
इस मौके पर एमआईएम ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, एडवोकेट मुश्ताक अहमद, मिर्ज़ा नवाब बेग, बशीर लाला, मोहम्मद रब्बानी, मोहम्मद सिकंदर के अलावा बड़ी तादाद में किसान भी मौजूद रहे।